मोदी जी का रोड शो पटना में है, ये आप लोग को पता ही है क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है, साथ ही रिएक्शन भी दिखाया है लोगों का। अब यहाँ पे शाम, सुबह शाम हो गया, शाम से अब अंधेरा हो गया है चारों तरफ, फिर भी लोगों का उठे तो आपको देखने बनेगा कि देखते किस प्रकार से लोग यहाँ पे उत्साह से भरे हुए है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और कतार किस हिसाब से बढ़ रही है लोगों की, वो भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे लोग सिर्फ रोड पे ही देख सकते हैं, मोदी मोदी का नारा लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और सब फक्र महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और देख सकते हैं कि पूरा बाउंड्री किस हिसाब से भरा हुआ है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सब अभी तो कुछ ही कैमरा मोबाइल्स निकला है सबके हाथ में, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा और हर के हाथ में मोबाइल होगा। ये देख सकते हैं लोग हाई भी कर रहे हैं उधर से, हम इधर आ गए हैं गेट के तरफ से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है पटना, मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा है और कई लोग खड़े हैं, पुरुष हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं क्या कुछ, ये सब लोग मोबाइल अपने पर निकाल लिए हाथों में, इस मोमेंट को कैप्चर करेंगे। क्या बोल रहे थे भैया आप? अरे यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, मोदी का जलवा जलवा एकदम होगा 400 पार। ये देखिए निकाल लिए है, देखिए इधर भी, आप उधर से कैप्चर कीजिए, हम इधर से कैप्चर करते हैं। देखिए ये तस्वीर है और ये उत्साह है, ये देखिए वहां से भी लाइट दिखा रहे हैं, सब बढ़ता जा रहा है। जब हम आए थे तो सिर्फ बल्ले पे 8-10 लोग लटके हुए थे, आप यहाँ पर देखिए पूरा एकदम माहौल जो है अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। कल लाइट देख करके रोड पे समझ में आ गया था कि रात में ही शो होगा, 5:30 का टाइम दिया गया था और ये देखिए रात हो ही गया है क्योंकि सब पूरे सड़कों पे, कल हमने दिखाया था कि सड़कों पे ही नहीं, उनके स्वागत के लिए देखिए जो बिल्डिंगे हैं सब पे लाइट लगाया गया है, जो रोड के किनारे है सब पे लाइट लगाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं सब पे लाइट लगाया गया है, उधर भी लाइट लगाया गया है और लोग इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने के लिए अनकट वीडियो हम आपको डालेंगे, मतलब बिना एडिट किए हुए वीडियो को हम डालेंगे और लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को, कुछ बताइए भाई, कुछ बोलिए आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है इंतजार, अभी खड़े खड़े थक गए हैं, अभी हमसे खड़ा नहीं होया जाता, अभी मोदी को आ जाना चाहिए। फिर भी आप खड़े हैं सर, ये कम फिर भी खड़े हैं क्योंकि मोदी का जादू है, मोदी का जादू है। क्या इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। ये देखिए तो ये है उत्साह इन लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ तो बैठे हैं आराम से। सबसे बढ़िया कुर्सी आपको मिला है भैया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आदमी के बीच में आप बैठे हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना देर तक इंतजार करते रहेंगे भैया? चलिए जी, इंतजार तो कर रहे हैं ना, ये कम बात है। हम लोग अपना ड्यूटी छोड़ करके मोदी को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या बात है, मोदी जी के बारे में 2 लाइन। उसके जैसा कोई नेता ही नहीं है अभी तक विश्व में, उनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। क्या बात है, ये देखिए ये है जलवा, और आप क्या कहेंगे सर उनके बारे में? बस मैं कह चुका हूँ बहुत कुछ, फिर कह दीजिए जो महिला, फिर कह दीजिए, नहीं नहीं कुछ महिला खड़ी है उनसे पूछिए। महिला आप बताइए मैडम मोदी जी के बारे में। मोदी जी जैसा ना कोई है ना होगा, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये देगा, वाह क्या बात है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आपका क्या कहना मैडम? जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, बस मोदी जी के चलते ही हम लोग कब से 2 घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, आंखें नम होती जा रही है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम लोग की थोड़ी महंगाई कम कर दी जाए ताकि आम पब्लिक भी और भी ज्यादा दिल से उनको सपोर्ट करें। सही बात है, अब किराया भी कम कर दीजिए भाई, जितना सैलरी मिलता है प्राइवेट कर्मचारी को उससे ज्यादा पटना किराया हो गया है, ये भी ध्यान दिया जाए। आज हम लोग मोदी जी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
हम लोग 2 घंटे से अभी खड़े हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी का हम लोग वेट कर रहे हैं। और अब की बार 400 पार, हर घर मोदी, क्या बात है। ये है पानी पीपी के लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से हैं भैया आप? हम बोकारो से हैं भैया। बोकारो से हैं जी। काफी अच्छी शहर है, हम गए हैं वहाँ पे। हाँ, डीपीएस स्कूल में गए थे। बहुत अच्छी शहर है सर। और हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे मतलब बिहार में पटना में आए हैं, बोकारो में भी मोदी श्री माननीय मोदी जी आए। अच्छा, तो आप पटना में देख रहे हैं उनको? जी, अभी इंतजार कर रहे, देख नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं कि उनको देखेंगे। 9 बजे ट्रेन है। 9 बजे ट्रेन भी है हमारा हटिया पटना से। ट्रेन है, हम चाह रहे हैं कि इनको पहले देख ले, ट्रेन तो फिर दूसरा भी पकड़ा जाएगा। मोदी जी पता नहीं कब देखेंगे लाइव। सही बात है, अगला बार 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ना भी चाहिए कि उनके जैसा नेता अभी तक आया है, पता नहीं आगे आएगा कि नहीं आएगा। मोदी के बाद योगी ही दिखते हैं दूसरा चेहरा। ये है मोदी इफेक्ट। देखिए कतार बढ़ती जा रही है। निराश हुए लोग, मोदी जी को निकलना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो नहीं निकले हैं। ये देख सकते हैं लोग इंतजार कर रहे थे और वो आगे बढ़ गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अब लौटने लगे क्योंकि मोदी जी डाकबंगला चौराहा से निकल गए हैं और यहाँ पर वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले। यहाँ देख सकते हैं लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे थे और लोग सब निराश होकर के अब जा रहे हैं अंदर। देखिए निकलना चाहिए था, यहाँ पे हम भी थोड़ा निराश हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम तो उनको एक बार और देखते हैं। ये तस्वीर लोग ऐसे ही यहाँ पे, पूरा ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर ये हो गया था। अब ये खुल जाएगा क्योंकि मोदी जी निकलेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा कुछ तो इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन पटना के लोगों का उत्साह आपको भर भर कर देखने को मिला होगा इसमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।